गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स आज हम इंग्लिश रीडर का लेसन थ्री पढ़ेंगे द किंग एंड द स्पाइडर क्लियर सो हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर सेफ एंड यू ऑल आर एट योर होम्स सो फॉलो ऑल द गाइडलाइंस ऑफ कोरोना कोरोना की सारी गाइडलाइंस आप फॉलो करें और घर में सुरक्षित रहें क्लियर सो लेट्स लेट एस स्टार्ट द लेसन थ्री लेसन थ्री द किंग एंड द स्पाइडर द किंग का मतलब सभी जानते हैं बताइए क्या होता है किंग मीन्स किंग में मीन्स राजा क्लियर और स्पाइडर आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा ऊपर ऊपर कॉर्नर में कहीं दरवाजे के पीछे कुछ ऐसे जाले टाइप के बन जाते हैं देखे सभी ने हाँ तो वो वो कौन बनाता है एक जीव एक इंसेक्ट होता है छोटा सा जिसको हम कहते हैं स्पाइडर मकड़ी देखिए सभी ने ना सभी के घरों में कहीं कहीं दस दिन या आठ दिन तक यदि हम अच्छे से वो पूरा वो नहीं करें झट वो डस्ट नहीं हटाएं हाँ तो वहाँ पर जाले हो जाते हैं क्लियर सो so, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है किंग की और स्पाइडर की अब ए, सोच रहे होंगे आपकी राजा और मकड़ी का क्या कैसे मतलब संयोग बना और राजा के साथ मकड़ी का नाम क्यों आया राजा बहुत बड़ा महान बलशाली होता है स्ट्रांग होता है और मकड़ी कैसी छोटी सी एक जीव है है ना लेकिन इस कहानी में मकड़ी से राजा ने शिक्षा ली तो कहने का क्या अर्थ है कि हम हमारी लाइफ में कभी भी हम हार नहीं माने और हम छोटी सी छोटी जीव से भी हम शिक्षा ले करके हम सफल हो सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं जिस प्रकार से प्रयास करने पर ही बार बार प्रयास करने पर हमें सफलता मिलती है तो उसी प्रकार हम इन जीवों से इन चीज़ों का हम लेसन ले सकते हैं हम सीख सीख सकते हैं इन लोगों से कि ये छोटे होने के बावजूद भी ये कितना श्रम करते हैं परिश्रम करते हैं और हमको तो ईश्वर ने कितना अच्छा बनाया है तो हम क्यों नहीं कर सकते फिर है ना हम भी कर सकते हैं परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों हम यदि हमारा माइंड सेट हमारी मनस्थितियाँ यदि हम बदल लें तो हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं क्लियर सो अस स्टार्ट अ लेसन अच्छा एक लेसन में मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि जो भी कहानियाँ होती हैं स्टोरीज़ होती हैं वो सारी पास्ट टेंस में होती है भूतकाल में होती हैं जैसे जब हम कहानी सुनाते हैं तो क्या बोलते हैं एक राजा था क्लियर एक राजा है ऐसा नहीं बोलते हैं। हम 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 पास्ट की बात करते हैं सो वी ऑलवेज यूज पास्ट टेंस हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्रिया मालूम है ना सभी को वर्ब उसकी सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं सो लेसन स्टार्ट्स विथ फोर लाइन्स मैं रीड कर रही हूँ लेसन केयरफुली अ लेसन यू शुड हीड ट्राई अगेन If एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन ट्राई अगेन मतलब बार बार प्रयास करना ट्राई मतलब प्रयत्न प्रयास कोशिश और अगेन मतलब दोबारा फिर से क्लियर सो टिस्ट अ लेसन यू शुड हीड हीड मतलब ध्यान देना बी अटेंटिव ये लेसन जो आप पढ़ने जा रहे हो ना बी अटेंटिव ध्यान दो और इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड यदि आप पहले प्रयास में यदि आप सफल नहीं होते हो तो डोंट गिव अप इसको हमें छोड़ना नहीं है हमें इसमें प्रयास करते रहना है सो अस स्टार्ट द लेसन इसमें सेकेंड फॉर्म आएंगे मैं बताऊंगी आपको और आपको उसको नोट करना है जहां पर अंडरलाइन करना है वहां पर आपको उस सेंटेंस को अंडरलाइन भी करना है क्लियर सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग एक बार की बात है कि एक राजा था देयर वॉज अ किंग एक राजा की बात हो रही है इसलिए हमने वर्ब वॉज लगाई है हेल्पिंग वर्ब ओके ही हैड फॉट मैनी बैटल्स एंड वन उसने बहुत सारे युद्ध लड़े और वो जीता भी राजाओं का तो काम यही होता है कि वो अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए अपने राज्य को बढ़ाने के लिए पड़ोसी राज्यों पे आक्रमण करते रहते हैं और वे जीतते भी रहते हैं और हारते भी रहते हैं लेकिन ये राजा ने अभी तक सारे बैटल्स जो थे युद्ध थे वो सारे उसने जीते ही वॉज अ वाइज ब्रेव एंड काइंड रूलर वो कैसा राज शासक था वाइज था वाइज मतलब बुद्धिमान इंटेलिजेंट राजा को इंटेलिजेंट होना चाहिए ना नहीं तो प्रजा उसकी बात नहीं मानेगी और uh, सारे मिनिस्टर भी उसको कुछ नहीं समझेंगे तो ही वॉज वाइज एंड ही वॉज ब्रेव एंड काइंड ब्रेव मतलब बहादुर राजा को बहादुर भी होना चाहिए है ना स्ट्रांग होना चाहिए और काइंड काइंड मतलब दयालु था वो बहुत ही काइंड रूलर था तो इसको आप सेंटेंस को अंडरलाइन कर लें बिकॉज ये भी आपका एक आंसर बन सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है सो अंडरलाइन इट ही वॉज अ वाइज ब्रेव एंड काइंड रूलर पीपल वेरी हैप्पी इन हिस्स किंगडम जो उसकी प्रजा थी वो बहुत खुश थी हैप्पी मतलब खुश रहना हाँ. Once a king attacked his country, और एक बार क्या हुआ किंग ने मतलब नेबर मतलब पड़ोसी है ना नेबरिंग किंग पड़ोसी राज्य ने एक बार उसके ऊपर क्या करा अटैक्ड अटैक्ड मीन्स हमला करना हाँ अटैक कर दिया लक डिड नॉट फेवर हिम दिस टाइम और इस बार उसके भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया लक मतलब भाग्य तो हम कहते ना अरे हमारे भाग्य में ये नहीं है ऐसे उसके भी भाग्य ने क्या करा इस बार उसका साथ नहीं दिया और दिस टाइम ही लॉस्ट द बैटल और इस बार मतलब विन विन का ऑपोजिट होता है लॉस्ट तो इस बार उसने अपना जो युद्ध था वो हार गया लॉस्ट हिज बैटल बैटल मतलब युद्ध होता है मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स अब यह देखो किल्ड किल्ड फिर से क्या है पास्ट टेंस है तो किल से क्या बना है किल्ड तो मैनी ऑफ इज सोल्जर सोल्जर्स मतलब सैनिक राजा के साथ युद्ध में सब सैनिक जाते हैं तो उसके अधिकांश जो सैनिक थे मैनी बहुत सारे सैनिक उसके मारे गए एंड अदर्स रैन अवे टू एस्केप देयर लाइफ और जो बाकी बचे थे वो सारे अपनी लाइफ बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए एस्केप मतलब भाग गए वहाँ से द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन अ केव और जब राजा ने देखा कि हम युद्ध हार रहे हैं और हमारे सैनिक भी आधे से ज्यादा मर गए कुछ भाग गए तो राजा ने भी अपने आप को एक केव में केव मतलब गुफा गुफा में अपने आप को छुपा लिया है ना नहीं तो क्या होता कि वो राजा उसको बंदी बना लेता है ना और फिर सारे जो राजा के फैमिली मेंबर्स थे वो सारे उसके कंट्रोल में हो जाते इसीलिए राजा ने भी अपने आप को छुपा लिया ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड अब क्या हुआ वो खुश तो रहेगा नहीं खुश रहेगा क्या वो नहीं क्योंकि वो हार रहा था युद्ध छुप गया था वो तो उसको अंदर से बहुत वो दुखी था और वरीड वरीड मतलब चिंतित बहुत ज्यादा उसको चिंता सता रही थी कि अब क्या होगा अब क्या करूंगा वन डे ही सो आ स्पाइडर गोइंग अप द वॉल एक दिन उसने क्या देखा बैठे बैठे केव में कि एक जो स्पाइडर थी वो दीवार पर चढ़ रही थी सब इसमें देखेंगे बुक में देखिए किंग बैठा है और स्पाइडर चढ़ रही है इट क्लाइम्ड अ लिटिल बट स्लिप्ड एंड फेल डाउन आप देखो इंसेक्ट है तो इसके साथ हमने क्या यूज करा है इट ना ही ना शी न ना हमने क्या यूज करा है इट ठीक है तो इस तरह से आप छोटी छोड़ छोटी बातों को ध्यान रखा करिए सो इट क्लाइम्ड अ लिटिल बट स्लिप्ड क्या मतलब इट क्लाइम्ड अ लिटिल बट स्लिप्ड हाँ वो चढ़ती थी और फिर से स्लिप हो जाती थी तो नीचे उतर जाती थी देखा है सब किसी किसी ने नाउ नेक्स्ट uh, सो वॉट हैपन मकड़ी जो थी वो इट वॉज क्लाइंबिंग एंड अगेन इट वॉज फॉलिंग डाउन है ना तो इट क्लाइंब्ड बट स्लिप्ड एंड फेल डाउन फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल स्लिप का सेकेंड फॉर्म स्लिप्ड क्लाइंब का सेकेंड फॉर्म क्लाइंब्ड ये सारे वर्ड्स आपको नोटबुक में लिखना है प्लस उनके मीनिंग के साथ ओके सो कीप ऑन नोटिंग ऑल दीज थिंग्स नोट करते रहें आप मैं uh, मैं बार बार दो दो बार हर चीज़ बता रही हूँ It climbed a little but slipped and fell down. It tried again and again, and fell again. The spider did not give up. It kept on trying and still kept falling. This happened many times. और राजा ने क्या देखा कि वो मकड़ी जो थी वो बार 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 try करती चढ़ती और वो फिर फिसल जाती फिर चढ़ती फिर फिसल जाती पर उसने हार नहीं मानी और वो अपना आ, अपने उद्देश्य तक उसको पहुंचने की वो असफ, सफल असफल कोशिशें करती रही और क्या हुआ होगा फिर लास्ट में एट लास्ट द स्पाइडर सक्सीडेड और लास्ट में क्या हुआ आखिर में जा के वो जो स्पाइडर था वो छोटा सा जो जीव था वो क्या हुआ सक्सीडेड मतलब सफल हुआ इन क्लाइंबिंग द वॉल काय में सफल हुआ दीवार चढ़ने में उसका कहीं जाला ऊपर होगा उसको उसके पास जाना होगा है ना द किंग सेट टू हिमसेल्फ किंग ने अपने आप से कहा उसने सोचा इफ दिस स्पाइडर अ स्मॉल इंसेक्ट कैन सक्सीड इन क्लाइंबिंग द वॉल बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन वाई कंट आई डिट माई एनिमीज ये जो छोटा सा जीव है ये छोटा सा स्पाइडर है जब ये बार बार गिर के बार बार चढ़ सकता है बार बार गिरता है बार बार चढ़ता है तो मैं क्यों और सफल होता है अंत में तो मैं एक ब्रेव वाइज रूलर होकर के मैं क्यों नहीं जीत सकता मैं क्यों नहीं अपनी परिस्थितियां सुधार सकता फिर से अब इसको पढ़ेंगे ध्यान दीजिए द स्मॉल इंसेक्ट कैन सक्सीड इन क्लाइंबिंग द वॉल अगेन एंड अगेन वाई कॉन्ट आई डिफीट माई एनिमीज मैं अपने एनिमीज को डिफीट क्यों नहीं कर सकता एनिमीज मतलब शत्रु और फ्रेंड मतलब दोस्त है ना तो यहां पर हमने अपोजिट भी सीख लिया तो एनिमीज शत्रु फ्रेंड दोस्त तो एनिमीज मतलब दुश्मन और डिफीट मतलब हराना मैं क्यों नहीं अपने उन दुश्मनों को हरा सकता द किंग गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक इंपॉर्टेंट लाइन है कॉन्फिडेंस को अंडरलाइन करें कॉन्फिडेंस मतलब आत्मबल आत्मशक्ति तो जो किंग uh, था उसको क्या मिल गया अपना वापस खोया हुआ उसका कॉन्फिडेंस जो वो हार गया था उदास हो गया था हताश हो गया था चिंतित था कि अब वो क्या करेगा अब वो वापस क्या हो गया उसने अपना कॉन्फिडेंस रिगेन कर लिया ही यूनाइटेड हिज सोल्जर्स और उसने अपने सोल्जर्स को यूनाइट unite किया यूनाइट किया मतलब फिर से उसने बुलाया सबको एकत्रित किया वंस अगेन एक बार फिर से एंड अटैक्ड हिज सेनिमी और उसने एक बार फिर सारे अपने सैनिकों को इकट्ठा करके उनका मनोबल बढ़ा करके उसने अपने अगेन ही अटैक्ड हिज एनिमी और उसने अपने एनिमी को फिर से अटैक किया oh वो तो कैंसिल क्लियर पे आ गया था तो उस राजा ने क्या किया उसने वापस से अपनी सेना इकट्ठी की रीयूनाइट की ठीक है ना एकत्रित करना मतलब रीयूनाइट करना द बैटल कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज बहुत समय तक बैटल चला युद्ध चला एंड ही फाइनली हिज एनिमी और उसने फाइनली uh, अपनी uh, जो शत्रु सेना थी उसको डिफीट कर दिया उसको हरा दिया तो नीचे देखिए लिखा हुआ है इसमें देखिए नीचे लिखा है ट्राई 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 टिल यू सक्सीड ठीक है जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाए तब तक हमें ट्राई 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 यानी प्रयास 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 करते रहना चाहिए अब नीचे देखिए आप रेड पेन से लिखा है अपनी बुक्स में देखिए स्ट्रगल इज द लॉ ऑफ प्रोग्रेस ठीक है प्रोग्रेस का नियम क्या है क्या कानून है यदि आपको सफल होना है तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रगल संघर्ष आएंगे लाइफ में तभी जा कर के हमको सफलता मिलेगी ऐसे बिना स्ट्रगल uh, के बिना संघर्ष के हमें कोई सफलता शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस का तो हमको मेहनत करके जिस तरह से राजा ने अपना लॉस्ट जो उसका कॉन्फिडेंस चला गया था उसको रीगेन किया रीयूनाइट किया अपनी ये सेना को और उसने फिर से युद्ध लड़ा और वो जीत गया सो द लेसन एंड्स हियर हाउ वॉज द स्टोरी कैसी लगी आपको स्टोरी है ना इंटरेस्टिंग uh, थी अब आगे आप पेज uh, अपना खोलिए पेज नंबर ट्वेल्व उसमें आप देखेंगे पेज नंबर ट्वेल्व पे देखिए आप रीड एंड लर्न एक्सरसाइज दी हैं और ये जो सारे वर्ड्स दिए हैं ना इनको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं ठीक है फ्रेजल वर्ब मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी फिर आपको उसमें क्लियर समझाऊंगी अभी आप इतना समझ लें कि फ्रेजल वर्ब में प्रपोजिशन uh, भी होता है और वर्ब भी होता है और इसका एक अलग ही मीनिंग निकलता है क्लियर जैसे रन अवे है ना रन अवे यानी भाग जाना वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है रूलर शासक ये देखते जाएंगे सब इसमें मैं पढ़ रही हूँ फेल डाउन गिर जाना गिव अप गिव अप का मतलब होता है ये भी फ्रेजल वर्ब है गिव अप मतलब हार मान लेना छोड़ देना अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन मतलब बार बार फिर से वंस अगेन एक बार फिर काइंड दयालु और स्लिप्ड मतलब फिसल जाना ये सारे वर्ड्स हैं रीड एंड लर्न लिखा हुआ है उसको आप रीड करें और उसको याद करें और ये जो सेकंड है इसमें आपको क्या करना है ये जो दिख रहा है सेकंड इसमें आपको आपका लेसन पढ़ना है और कहाँ कहाँ पर ब्लैंक्स छोड़े हैं वहाँ लेसन में से आप पढ़ते जाइए और इसको आप कंप्लीट करिए ओके देन द नेक्स्ट इज यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेज कुछ फ्रेजेज दिए हैं यहाँ पर लेकिन उनमें वो ब्लैंक हैं हमको बॉक्स में से येलो बॉक्स दिख रहा है सभी को ऊपर ये वाला बॉक्स इसमें से हमको सेलेक्ट करके यहां पर भरना है तो जैसे पहला वाला है डैश है ऑफ पीपल पीपल यानी बहुत सारे लोग तो जब बहुत सारे लोग कहीं पर इकट्ठे हैं तो हम उसको बोलते हैं क्राउड क्या बोलते हैं हम उसको क्राउड सीआरओ डब्ल्यू डी अब इसमें से ढूंढे आप क्राउड कहां लिखा है सो इट इज सेकेंड है ये सेकेंड लाइन में सेकेंड वर्ड है क्राउड है ना तो हम फर्स्ट उसमें लिख लेंगे नेक्स्ट है डैश ऑफ बनानाज जो केले का झुंड केले का वो जो होता है ना बंच है ना मतलब uh, केले इकट्ठे मिलते हैं आपने देखा होगा ठेले पे रख रहते हैं एक साथ छह सात आठ दस केले का एक बंच होता है तो उसको हम बंच बोलते हैं बंच ढूंढिए कहाँ लिखा है इसमें यस सेकेंड लाइन में फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है बंच बी यू एन सी एच बंच अब आप ये लिख लिया अब आप शिप का यदि झुंड है शिप मतलब शिप एक शिप होता है उसको जहाज कहते हैं ये शीप है शीप मतलब भेड़ तो भेड़ों के झुंड को हम क्या कहेंगे देखिए हर्ड कहते हैं एच ई आर डी कहां लिखा है हर्ड थर्ड सेकेंड में थर्ड वाला जो वर्ड है वो हर्ड है फिर एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स ठीक है सैनिकों का समूह को क्या बोलेंगे बहुत सारे सैनिक दी हैं तो उसको हम आर्मी बोलते हैं फिर शीप एक तो हमने शीप पढ़ा था भेड़ होते हैं ये शिप्स है शिप्स मतलब जहाज जब जहां समुद्र में बहुत सारे जहाज इकट्ठे खड़े हुए हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे हम उनको बोलेंगे फ्लीट देखिए कहां लिखा है फर्स्ट वर्ड लिखा है फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड देखिए फ्लीट ऑफ शिप्स फिर आ गया कैटल कैटल मतलब जो जानवर होते हैं घास चर रहे हैं इकट्ठे ग्राउंड में तो हम उनको क्या बोलेंगे फ्लॉक ऑफ of... नहीं सॉरी हर्ड ऑफ कैटल होगा और फ्लॉक ऑफ फ्लॉक ऑफ शिप होगा करेक्ट कर लीजिए फ्लॉक ऑफ शिप और हर्ड ऑफ कैटल कैटल के समूह को जानवरों के समूह को हम कैटल कहते हैं और शिप के समूह को हम फ्लॉक कहते हैं ये सॉरी थोड़ी गलती हो गई इसमें अ टीम ऑफ प्लेयर्स जब खिलाड़ी बहुत सारे हैं तो क्या बोलते हैं हम टीम बोलते हैं है ना टीम ए टीम बी फिर बहुत सारी यदि लकड़ियां हैं और वो इकट्ठी रखी हैं तो हम बोलते हैं बंडल बंडल ऑफ स्टिक्स जूते या चप्पल जोड़े में होते हैं उसको हम पेयर बोलते हैं पेयर ऑफ शूज अब बहुत सारे तारों के समूह हमको आसमान में दिखते हैं हम उनको क्या बोलेंगे क्लस्टर ऑफ स्टार्स क्लस्टर देखिए कहाँ लिखा है लास्ट वर्ड है फर्स्ट लाइन में क्लस्टर ठीक तो ये आप लिख लीजिएगा इसको कंप्लीट करिए उसके बाद में मैं बताऊंगी पंक्चुएशन मुख्य तौर पर जब हम ए, सेंटेंस लिखते हैं तो हम फर्स्ट जो लेटर लिखते हैं वो हम कैपिटल लिखते हैं क्लियर अब सेंटेंस का लेकिन यदि बीच में भी कहीं कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है या कोई नाम आ जाता है उसको भी हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं जब हम सेंटेंस uh, हमारा कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं यदि हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो ये सब बातें भी आ, आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे पंक्चुएशन पे उसमें क्लियर हो जाएगी ठीक है क्योंकि ये भी पेपर में आता है कुछ दो तीन लाइन दे दी जाती हैं आपके एग्जाम में और फिर वहाँ आपको पंक्चुएट करना पड़ता है उसको अब देखिए पूरे लेसन को मैंने एक वर्ड वेब की सहायता से ये बनाया है है ना ऐसा हम हर लेसन में आप लोग बनाओ इसको सीखो वैसे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम वर्ड वेब बनाते हैं देखो सबसे पहले बीच में मेन स्टोरी का जो करेक्टर है वो कौन है किंग है ना अब किंग की क्वालिटी मैंने बताई थी जब हमने पढ़ा था क्या था वाइज ब्रेव और काइंड तो देखिए मैंने क्या करा यहाँ पर द किंग उसकी क्वालिटीज uh, लिख दी है वाइज काइंड ब्रेव ठीक अब सबसे पहले ये वाला बॉक्स को पढ़ेंगे हम ये तो जो प्रजा थी वो कैसी थी हैप्पी है ना तो वॉज हैप्पी विथ हिज पीपल क्लियर फिर क्या हुआ बैटल्स एंड वन उसने बहुत सारे युद्ध लड़े और वो जीत गया ये समरी है एक वर्ड वेब है पूरे लेसन का ठीक है वंस ही लॉस्ट अ बैटल एक बार वो युद्ध हार गया फिर क्या हुआ ही हैड टू हाइड इन केव वो एक गुफा में जाकर के छुप गया है ना फिर क्या हुआ ही सो अ स्पाइडर क्लाइंबिंग ऑन द वॉल उसने एक मकड़ी को दीवार पर क्लाइंब होते हुए देखा और वो क्या हो रही थी बार 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 फॉलिंग एंड एंड ट्राइंग अगेन अगेन वो गिर रही थी बार -बार और बार -बार प्रयास कर रही थी द स्पाइडर फाइनली थीड टू क्लाइंब द वॉल और इस तरह से जो स्पाइडर थी वो एक बार पूरी वॉल को क्लाइंब करने में चढ़ने में दीवार पर चढ़ने में वो कामयाब हो जाती है तो राजा को वहां से क्या मिलता है एक लेसन मिलता है कि जब ये छोटा इंसेक्ट क्लाइंब करके और अपनी सफलता पा सकता है अपने जाले तक पहुंच सकता है तो मैं तो एक संपूर्ण इंसान हूं मैं क्यों ये काम नहीं कर सकता द किंग वॉज इंस्पायर्ड ठीक है इंस्पायर हुआ किंग और ही अटैक द एनिमी एंड वन और उसने अपने दुश्मनों पर हमला किया और वो जीत गया ट्राई अगेन इफ यू डोंट सक्सीड एट फर्स्ट तो लेसन हमारा इस पॉइंट पर आकर खत्म होता है कि ट्राई अगेन इफ यू डोंट सक्सीड एट फर्स्ट यदि आप पहले बार के प्रयास में यदि आप सफल नहीं होते हैं तो आपको ट्राई करना है और अगेन एंड अगेन यू हैव टू तो मेक द एफर्ट्स यू हैव टू तो ट्राई अगेन एंड अगेन टू तो गेट सक्सीड ऐसा वर्ड वैब और ऐसा माइंड मैप हम हर लेसन के साथ बना सकते हैं सो so, चिल्ड्रन uh, आपको स्टोरी अच्छी लगी हमने इसकी दो तीन एक्सरसाइज भी कर ली है मैं फ्रेज के बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगी अभी लेसन आप पढ़िए रीड द लेसन एंड डू द एक्सरसाइज